शिवपुरी के ग्राम लोहारपुरा थाना कोलारस में नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष है, सहयोगी से कूट रचना और षड्यंत्र पूर्वक जबरदस्ती बहला फुसला कर अपनी बातों में फंसा कर 15 तारीख को अपहरण कर लिया था, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में करके कोई पता नहीं चला, परंतु 14 तारीख को लड़की पुलिस वन स्टाफ सेंटर शिवपुरी पर दी गई। शिकायत करने पर प्रार्थी और उसके परिवार को हत्या करने की धमकी दी जा रही थी। इस कारण आरोपी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जी, क्या मामला है आपके बेटी का जो आप यहाँ पे आज एसपी ऑफिस आई हैं? आज इसलिए आए कि हमारी बच्ची को राम बाबू पाल ले गया। अब तो वापस मिल गई ना आपकी बेटी? वापस ऐसे मिलने से क्या है, मुझे इंसाफ चाहिए। क्यों, किस तरह का इंसाफ चाहिए? इंसाफ इसलिए चाहिए कि उसने बलात्कार किया, उसका भी इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची को डरा धमका के उसने जो बयान करवाए, गलत बयान दिवाए, वो भी इंसाफ चाहिए। अच्छा। और अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। बयान कैसे गलत हुआ? बयान तो आपकी बेटी ने, मेरी बच्ची को धमकी दी उसने, उसके मामा ने। क्या धमकी दी थी? उसके मामा ने बोला कि तेरा भाई हमारे कब्जे में है, हम उसको मार देंगे, तेरी गलत वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो सब में मीडिया में फैला देंगे। अच्छा। हाँ, तो क्या कोई वीडियो बनाई है क्या? अब ये तो नहीं कह सकती, लेकिन उनने कहा है, कहा था कि तेरी वीडियो बनाई है, धमकी दी है, वीडियो धमकी दी है उसने। क्या बोल रहा था? तेरा भाई हमारे कब्जे में। वीडियो वाली क्या बात थी, जो भी आप बता रही हैं? अब वो बोल रहा था कि हम जो भी है जो कर देंगे, उसको लगा होगा कुछ बनाई होगी। अच्छा, तो आपकी बेटी की अब जांच वांच सब हो गई है कि नहीं? जांच तो हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। ये आप आज एसपी ऑफिस आई थी, किस तरह की शिकायत लेकर आई थी? जी, कोलरस थाने पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय है, क्या मामला है? 14 तारीख की रात को राम बाबू पाल मुझे लेके गया था मेरे घर से। फिर क्या हुआ? तो मतलब कि उसी दिन, मतलब कि वो लेके गया था उस दिन, मतलब कि रात को गए थे 1 बजे। तो मतलब कि हमारे पास में एक गांव है रामराई, तो वहीं पे जंगल में रात बिताई थी। सुबह 15 तारीख की दिन भी वहीं पे बिताया था। तो उसी मतलब दिन शाम के टाइम 15 तारीख की शाम को हम पैदल कराई आए थे। खराई से हमें एक ट्रक मिला, उसमें हम कोटा गए। कोटा से हमने बस ली, इंदौर जा रहे थे। तो राम बाबू के जीजाजी बंटी का कॉल आ गया था उज्जैन पे, तुम उतर जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें कोटा। तो हम लौट आए दूसरी बस से कोटा। कोटा लौट आए? हाँ। कोटा में क्या हुआ? कोटा में राम बाबू की जीजाजी बंटी पहुँच गए थे, वो लेके आए थे हमें कोटा से। कहाँ पर लेके आए? इधर सिरसौत चौराहे के पास में एक गांव है, वहीं पे लेके गए थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।